अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ से हुई तबाही से बेघर हुए लोगों को राहत सामग्री बांटी। साथ ही कैंप और सड़क किनारे झोपड़ियां डालकर रह रहे पीड़ितों से उनकी समस्याएं सुनी। बाबूराम निषाद ने कहा कि बाढ़ से जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके अनुपात से मुआवजा बाढ़ पीड़ितों को दिलाया जाएगा। बाढ़ से हमीरपुर जिले में हजारों लोग और सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर दर्जा प्राप्त मंत्री पैदल गांव-गांव घूमकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात कही। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। अन्य अन्य चीजें बहुत वितरित हो रही है। मुझे स्वयं ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने सब सहयोगियों के साथ बात करके, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीमार हैं, उनको रोटियां नहीं खानी है, तो ऐसे करके करीब 11 क्विंटल के आसपास जो सेब आया है कई लोगों के सहयोग से, वो सब हम सब लोग यहाँ हैं और वितरित कर रहे हैं।